महात्मा गांधी की 150वीं जयंती एवं आजादी के अमृत महोत्सव और गांधी सप्ताह के अंतर्गत मुरादाबाद में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से एक तिरंगा यात्रा महानगर में निकाली गई। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ महापौर विनोद अग्रवाल और महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा ने तिरंगा लहराकर किया। रैली का शुभारंभ रामलीला मैदान लाइन पार से प्रारंभ होकर प्रकाश नगर होते हुए मंझोला मंडी समिति से होते हुए चौधरी चरण सिंह चौक पर समापन किया गया। रैली की अध्यक्षता भाजपा महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित ने की। रैली में देशभक्ति गीतों और भारत माता के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय कर दिया। तिरंगा रैली का जगह जगह स्वागत फूलों की बारिश से किया गया। रैली में सलोनी जैन, ज्योति बंसल, भावना चौधरी, अनु अग्रवाल, प्रीति कश्यप सहित भारी संख्या में महिला मोर्चा के सदस्य व पदाधिकारी मौजूद रही। किस उपलक्ष्य में रैली निकाली जा रही है? किस उपलक्ष्य में आज रैली निकाली जा रही है? क्या कहना चाहिए? आज हमारे यहाँ 2 अक्टूबर है, हमारे परम पूज्य महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और दूसरी तरफ भारत रत्न डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। उसी के उपलक्ष्य में आज भाजपा संगठन के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें सुबह हम सभी पूरे भाजपा के पदाधिकारियों ने पूरे महानगर में सभी ने स्वच्छता अभियान चलाया। तत्पश्चात उसके बाद अब हम लोग रैली निकाल रहे हैं। महिला मोर्चा के द्वारा ये रैली केवल और केवल वर्तमान पीढ़ी को और भावी पीढ़ी को संदेश देने के लिए निकाली जा रही है। इस तरह की रैली है जो हमारी मातृभूमि की रक्षा करने में जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, ऐसे क्रांतिकारी वीरों के लिए भाजपा संगठन हमेशा श्रद्धांजलि देता आया है, सम्मान देता आया है और देता रहेगा। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आज लाइन पार में आज महिला मोर्चे महानगर की ओर से आज तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई और आज महात्मा गांधी जी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी को भी नमन किया गया और गांधी जी के आदर्शों को सत्य अहिंसा का जो उनका एक रास्ता था कि सत्य बोलोगे तो हमेशा आपकी जीत होगी और अहिंसा बड़े से बड़े काम को जो मुलायमियत से नरमाई से काम हो सकता है वो गांधी जी का जो एक आदर्श था, डिटर्मिनेशन था, उसको आज ये सब जो कर रहे हैं तभी आज भारत आगे बढ़ रहा है। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो एक स्वच्छता की सीख गांधी जी ने दी थी वो भी माननीय अपने मोदी जी के द्वारा पूरे देश में लागू की गई है, जिसका विश्व सभा इसीलिए।